कितनी बार समझाया, हाँ ये मेरे आगे किस्मत का रोना मत रोया कर, ये जा घूम जाता है मेरा, मैं क्या करूं, 15 साल में तुझे इतनी भी समझ नहीं आई मेरी। लाख बार समझाया, तेरी खोपड़ी में नहीं बैठता, मायूसी कुफर है, कुफर, रब नाराज होता है, तू नहीं समझती, फिर वही टेक 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 लगी रहती है। और तू क्या समझती है कि रब को नाराज करके तुझे खुशी मिल सकती है? नहीं, चल कादर भाई। हाँ भाई सोहेब, क्या चल रहा है गुड्डू? क्या चलेगा, लगे हुए हैं काम काम बस काम। आप बताएं। चल रहा है यार। ये बता, हमसे कोई खता हो गई है क्या? हैं? भाई हमें भी खिदमत का मौका दो, प्रोडक्शन चल रही है हैं? और भाई को पूछा भी नहीं। कोई नाराजगी तो नहीं है? अरे कोई नाराजगी नहीं है कादर भाई, आपसे क्या नाराजगी हो सकती है? पता है आपको, ग्रैंड सीरियल कर रहा हूँ। हीरो के बाप के लिए ना आपका नाम सजेस्ट किया था, बजट भी बम फाड़ था, लेकिन नहीं भाई, टैलेंट से कुछ नहीं होता, टैलेंट गया भाड़ में। आपको पता ना यहाँ चलता है फेवरेटिज्म, बूट पॉलिशी। डायरेक्टर ने कैरेक्टर किसी बूट पॉलिशी को दे दिया, बोला भी कादर भाई से करवा लो, कमाल के एक्टर है, 4 चांद लगा देंगे, लेकिन नहीं माना। अच्छा चल कोई नहीं। अरे क्या कोई नहीं कादर भाई, जिंदगी संवर जाती है आपकी। 20 से 25 दिन का काम था, बजट भी तगड़ा था। ये समझ लें, सीरियल से जो भी जुड़ा हुआ है ना, समझ लो लॉटरी लग गई है उसी। अरे इसका क्या फर्क पड़ता है यार, हैं? रब बहुत बेपरवाह है, बहुत बड़ा बादशाह है, क्या समझे हैं? क्यों, एक दर बंद होता है ना तो हजारों दर खुल जाते हैं। अरे कादर का एक असूल है, हाँ, नो फिगर नो टेंशन ओनली वर्क। टेंशन तुम तो समझते हो, हाँ, पते की बात है भैया। हाँ हाँ कादर भाई, टेंशन ना ले, मैं जैसे ही कुछ गैप्स वगैरह होते हैं ना तो मैं आ जाता हूँ उसमें से। पीते हैं चाय, क्या है, चाय का क्या पी लेंगे। हाँ 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 ठीक ठीक, तुम जाओ, हाँ बस सुन। नजर में रखी हो है। कहीं चांस लगे, टैलेंट पड़ा हुआ है भाई में, तू तो जानता है कादर भाई की गेम। ठीक है जी भाई, हाँ ओके।